थोड़ी विशेषताएं जानते हैं इनकी, ये होते कैसे हैं एक नंबर वाले लोग। इनकी लीडरशिप, राजा है, राजा की लीडरशिप पे चैलेंज थोड़ी है, मान राजा, राजा के जो गुण वो लगा दो नंबर एक पे सारे, स्ट्रॉन्ग पावरफुल, नॉट मस्कुलर पावर बट पावरफुल पावर है ना, डिटरमिंड, एक्शन ओरिएंटेड, डिटरमिंड, जो करना ठुक जाएगा, डरता नहीं। राजा है एनालिटिकल स्किलों की, शार्प इंटेलिजेंस होगा, माइंड होगा, दिमाग तो होगा, राजा है प्लान करने योग्य इंसान है, प्लान कर सकता है, कॉन्फिडेंट है, राजा है जो क्रिएटिविटी के माइंड से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, राजा है डिसिप्लिन में, अगर राजा नहीं होगा तो फिर कौन होगा डिसिप्लिन में, ऑनेस्ट, अगर राजा नहीं होगा तो फिर कौन होगा, तो डिसिप्लिन है, ऑनेस्ट है, राजा। अब राजा में अगर बॉसी एटीट्यूड नहीं होगा तो अब बॉसी एटीट्यूड किसका होगा, राजा। और राजा में ईगो और एरोगेंसी नहीं हुई तो सिपाही में तो होगी नहीं, तो राजा इज एरोगेंट एंड इगोइस्टिक बोथ। जंगल का राजा, राजा शेर, तो मैं जो बोलूंगा होगा तो वो, नहीं तो बहस होगी, मैंने बोला तो कर लो, नहीं तो बहस। तो एक नंबर वाले ना आपस में जल्दी से बनती नहीं है, दो एक नंबर आ जाए तो जल्दी से बनती नहीं है, आसान नहीं है बनाना दो एक नंबर वाले। इन्वेंटर होते हैं, इन्वेंट करने की हिम्मत रखते हैं, किसी भी काम को फ्रंट से करने की शक्ति रखते हैं ये लोग, किसी भी कार्य को फ्रंट से करना ही ना आता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, अब बिगिनर होते हैं, रॉयल होते हैं ये लोग, ये राजा है, लेकिन अड़ियल होते हैं, स्टंट बोन, कड़क, जैसे शेर चूड़े में चलेगा, स्टंट बोन, राजा फैल के चलेगा, फैल के चलेगा। But they are very sharp mind. इनका mind जो है inquiring mind होता है. They always carry why. They carry why. They are very good in asking why. It's like corporate में होता ना. लोग पूछते हैं ना why, why, why. ऐसा पूछते हैं लोग. So the people like asking why, 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 why. Take a number. ऐसा क्यों नहीं हुआ था, मैंने तो ऐसे बोला था ऐसा ही होना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने बोला था ऐसा होना, गलत हो गया, किसने गलत कर दिया, मैंने तुम्हें बोला था ना ऐसा करना था तो क्यों नहीं किया। एक नंबर के वो पहचान बता रहा हूँ, ये पहचान है, ये बिल्कुल आप अपने घर में रिलेट करना, जिनके नंबर से कुंडली निकाल के बैठे हो एक नंबर वाले मिल जाएंगे सारे, ये किया दिख जाएंगे आपको ये सारे। एम्बिशियस होते हैं ये लोग, बड़ा सोचते हैं हमेशा, होगा नहीं होगा अलग बात है, सोचते बड़ा है, एम्बिशियस बहुत है इनके, और हमेशा ऊंचे ऊंचे औहदे पे जाना पसंद करते हैं, हल्की बातों हल्की हल्की चीज नहीं करते, इनका हमेशा टारगेट ऊपर होता है, पहुंचे कि नहीं पहुंचेगा सेपरेट बात है, बट टारगेट इनका हमेशा ऊपर होता है, दे ऑलवेज लुक अप, They don't look down. इसलिए इनको नीचे देख के चलने की आदत नहीं आती, और इसलिए ठोकर भी खाते हैं जीवन में। ये वो लोग हैं जो अपने ही गलती से ठोकर खा के अपने आप ही खड़े होते हैं, किसी से सहायता नहीं लेते, जल्दी से हाथ नहीं फैलाते, आ जा भी दे दो, They don't do like this. ठोकर खाएंगे अपनी और फिर खड़े होंगे और फिर चलेंगे, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, क्रेजियस होते हैं। इन लोगों के अंदर पावर का घमंड भी होता है, इन्हें अगर थोड़ी सी पावर मिल जाए ना ये चोर हो जाते हैं, छाती चोरी, ठीक।
यही इनकी कमियां भी हैं। अब नंबर एक का अब रिपीटेशन बता रहा हूं, थोड़ा देखते रहना, आगे भी करेंगे। जितनी बार इनकी डेट ऑफ बर्थ में एक रिपीट होगा उतना एक मजबूत होगा। जो भी नंबर दो बार तक आता है मजबूती अच्छी बात है, मजबूती में कोई बुराई नहीं, लेकिन दो नंबर तक, दो बार तक मजबूती है तो इट इज गुड। अगर ये तीन बार रिपीट हो गया फिर चार बार, उतना ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड बढ़ेगा, उतने ज्यादा ये लोग स्टंट बोन होते जाएंगे, एरोगेंट होते जाएंगे, ईगोस्टिक होते जाएंगे। एक नंबर क्योंकि बहुत बार रिपीट हो सकता है तो एक नंबर कई बार तीन तक भी चल जाता है, बट द मोमेंट यू विल फाइंड फोर टाइम्स वन इन अ डेट ऑफ बर्थ, फाइव टाइम वन इन अ डेट ऑफ बर्थ, द पीपल आर वेरी स्टंट बोन, वेरी अप्रूव, वेरी अप्रूव। सिर्फ उड़ी आएगा अपना, सिर्फ उड़वा लेंगे, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। ये एक नंबर वाले, एक नंबर वाले इनको अब इसी वजह से इनकी हेल्थ आमतौर पर अच्छी रहती है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती हेल्थ पे, लेकिन अपने स्वभाव के कारण ये लोग ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां पैदा करते हैं अपने लिए, और फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो इनको भुगतने पड़ते हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर से क्या बीमारी होती है आपको पता ही है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन जैसी प्रॉब्लम होती है, ब्रेन ब्रेन हैमरेज जो होते हैं, इस टाइप के इश्यूज पैदा हो जाते हैं, आई साइड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जॉन्डिस होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम बाई प्रोडक्ट ऑफ दी देयर ओन क्रिएटेड इश्यू, क्योंकि इनके दिमाग में गर्मी बहुत रहती है, जल्दबाजी बहुत रहती है। अगर जितनी बार एक रिपीट हो जाएगा उतना दिमाग में जल्दबाजी हो जाएगी, और जितना ज्यादा एक रिपीट हो जाएगा ना उतने ज्यादा लूज टॉपर्स भी हो जाएंगे, विच मीन्स जल्दी से गाली लोच पे आ जाएंगे ज्यादा एक रिपीट होने से, कि सहनशीलता वीक हो जाएगी। जब सहनशीलता वीक हो जाती है इंसान की तो आपा जल्दी, तो रेमेडी भी बताया तो छोटी सी यहीं पे, जिसके एक बहुत ज्यादा आ रहे हो ना और एक बिगड़ रहा हो उसको बोल पानी का गिलास आ तक के चल, हर आधे घंटे में एक गिलास पानी पी, कि चंद्रमा कमजोर है, ठंडक नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा पानी डाल दो ठंडा रहेगा। ऐसे लोग जितने भी पुलिस फोर्सेस होती हैं, मिनिस्टरशिप्स होती हैं, मेडिकल प्रोफेशन होते हैं, पॉलिटिशियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, जहाँ पे मतलब लीडर वाली पोजीशंस होती हैं, दे वर्क वेरी डिसिप्लिन्ड, दे आर फिट फॉर दैट एक्टिविटीज, बट दे आर नॉट फिट फॉर दी एक्टिविटी जहाँ पे ट्रिक जॉब चाहिए, विच मीन्स ट्विस्ट चाहिए, बातों का खेल जा चाहिए, बातों के खेल में ये बहुत स्ट्रांग नहीं होते, दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग ऑन बातों के, टंग ट्विस्टर नहीं होते ये लोग, टंग ट्विस्ट नहीं कर सकते, मौके पे अपनी बात को इंस्टेंट चेंज करने की कला इनमें थोड़ी कम होती है, वीक होती है। कई लोग कर लेते हैं समय के अनुसार एकदम क्विक चेंज, पलटा मारती होते हैं, जैसे वो गिरगिट रंग समय के मुताबिक रंग बदलते हैं, ये नहीं कर सकते, दे कांट डू ये। अगर अपने एक फ्लो में चले गए इसको अपने फ्लो से बाहर आने में बहुत समय लगेगा, दे कैन नॉट इंस्टेंट चेंज, ये खूबी है। एक और एक टैगलाइन याद रखना हमेशा जो मैं शुरू में बोली थी, दीज आर दीज पीपल आर ऑरिजिनेटर, सीधी बात करनी है, नो बकवास।